केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। कोई 200 300 400 500 साल पुराना नहीं, लेकिन 1200 साल पुराना है। 1885 और 1050 के बीच में इस क्षेत्र में यहां स्थापित हुआ है और यहां लगभग 85 मंदिर होते थे और 85 मंदिरों के साथ साथ यह आश्चर्य की बात है कि यह 20 वर्ग किलोमीटर में स्थापित है। यह प्राचीन इतिहास है खजुराहो और यहां जैसे अभी बीडी शर्मा जी कह रहे थे सन 1986 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का प्रमाण देकर इसे प्राथमिकता दी। यहां उमा महेश्वर, लक्ष्मी नारायण जी, स्वयं विष्णु जी की मूर्तियां यहां स्थापित हैं और यहां अगर हमें दिखता है तो एक अनूठा संगम हमको दिखता है। एक तो चारों कलाओं की, चाहे वो धर्म हो, अर्थ हो, काम हो या मोक्ष हो, चारों कलाओं दर्शाती जाती है और यहां एक अनोखा संगम भी है हमारे हिंदू धर्म के मंदिरों का और जैन धर्म के मंदिरों का, दोनों का एक अनूठा संगम है और यहां धार्मिक विविधता का प्रमाण भी हमें मिलता है। तो इस इतिहास के साथ जब हम वर्तमान में निकलते हैं, हमारा ये हवाई अड्डा सन 1978 में स्थापित किया गया था। यहां से वायु सेवा दिल्ली के लिए, वाराणसी के लिए, आगरा के लिए उस समय चलती थी और जैसे जैसे साल बीते गए, जो एक तरीके से एक प्राथमिकता से वंचित खजुराहो रह गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2016 में यहां आधुनिक फैसिलिटीज स्थापित करने का प्रयोग और प्रमाण शुरू हुआ। इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यहां स्थापित हुई 2016 में, नया टर्मिनल भवन बना है, नाइट लैंडिंग की फैसिलिटी दी गई है और पिछले एक वर्ष में जब से इस विभाग की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमें दी गई, खजुराहो के लिए प्राथमिकता सदैव हमने बनाई और पिछले दो वर्षों में रनवे की रिकार्पेटिंग, नया एटीसी का टावर, टेक्निकल ब्लॉक, करीब 50 करोड़ का निवेश हमने सीधे सीधे खजुराहो एयरपोर्ट में किया। आज यहां बोइंग और एयरबस के प्लेन्स लैंड कर सकते हैं। 1,20,000 स्क्वायर फुट का टर्मिनल भवन बना हुआ है और यात्रियों का अभाव बिल्कुल नहीं। प्री कोविड यहां 40,000 से 50,000 यात्री प्रति वर्ष आते थे और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में उस ऊंचाई तक हम पहुंचेंगे और उस शिखर से भी हम आगे चलेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आज अजय सिंह जी को और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस मंच के द्वारा हमारे सांसद आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी को। जिस दिन से मैंने इस मंत्रालय का प्रभार संभाला है उस दिन से विष्णुदत्त शर्मा जी एक ही चीज लेकर मेरे पास आए हैं और वो है खजुराहो की कनेक्टिविटी, खजुराहो की कनेक्टिविटी, खजुराहो की कनेक्टिविटी। हमारे जनसेवक अगर इस मंशा से कार्य करते हैं तो फिर क्षेत्र की प्रगति और विकास सुनिश्चित है, इसका मुझे पूरा विश्वास। और मैं धन्यवाद भी अर्पित करना चाहता हूं और मुझे गर्व भी है और मैं प्रशंसा भी करना चाहता हूं विष्णुदत्त शर्मा जी की कि उन्होंने मुझे इतने बार कहा, इतने बार परेशान किया और यही तरीका है, इतने बार परेशान किया कि मैंने ये निर्णय लिया कि मैं जल्द से जल्द ये खजुराहो फ्लाइट की अनाउंसमेंट मैं करूंगा और मैं इस दिन पर जहां विष्णुदत्त शर्मा जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, वहीं अजय सिंह जी को भी मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। और इसलिए क्योंकि हम लोगों की बहुत आशाएं अभिलाषाएं होती हैं विष्णुदत्त जी की, मेरी, पर जमीन पर जिन कठिनाइयों का सामना हमारा नागर विमानन क्षेत्र ने पिछले दो सालों में किया है, कोविड के जमाने में
किस तरीके से बुरी तरह से अगर कोई भी क्षेत्र प्रभावित हुआ हो विश्व में, सबसे बुरी तरह से हमारा नागर विमानन क्षेत्र प्रभावित हुआ, और उस लड़ाई के समय में भी, उस संघर्ष के समय में भी, जिस तरीके से अजय सिंह जी ने प्रधानमंत्री जी की संकलित उड़ान योजना के लिए अपना समर्पण भाव के साथ कार्य किया, उस कोविड के वातावरण के इस 2 सालों में भी उन्होंने हर संभव प्रयास किया है कि अल्पसेवित या असेवित क्षेत्रों को जुड़ाने के लिए, मैं उनको दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, और तालियों की गड़गड़ाहट से हम उनका उत्साहवर्धन करें। बहुत आसान है निर्णय लेना, बहुत मुश्किल है कठिन कदम उठाना। और बार बार जब विष्णुदत्त जी हमारे पास आते थे, तब मैंने अजय सिंह जी से निवेदन किया कि जल्द से जल्द ये फ्लाइट हमें शुरू करना चाहिए, और अजय सिंह जी ने पहले 10-15 दिन थोड़ा डामाडोल रहे, पर जब मैंने बड़े हाथ जोड़कर उनको निवेदन किया कि ये बहुत जरूरी है मेरे मध्य प्रदेश के लिए, उन्होंने उस समय कहा, मैंने कहा 20 तारीख को देखो भैया खजुराहो महोत्सव शुरू हो रहा है, उसके पहले ये फ्लाइट अनिवार्य है, और आज उसका प्रमाण अजय सिंह जी आप इस मंच पे देख रहे हैं, जो ओम प्रकाश जी ने कहा कि आपके पहले दिन ही भारत के अंदर हमारे नागरिक तो इस प्लेन में गए, पर विदेशी राजदूत भी इस प्लेन में उड़ के खजुराहो पहुंच गए, तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपको फुल लोड मिलेगा, देश के लोगों के लिए लोगों के केवल नहीं, लेकिन हमारे अंतर्राष्ट्रीय लोगों का भी आपको लोड मिलेगा, और आपको तहे दिल से मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि इस कठिन परिस्थितियों में भी आपने इतना इस क्षेत्र को महत्व देने के लिए कदम दिया। मैं बीडी शर्मा जी की तरफ से, खजुराहो की जनता की तरफ से, ओम प्रकाश जी और प्रद्युम्न सिंह जी की तरफ से, ललिता जी की तरफ से, मलखान सिंह जी की तरफ से, और बुंदेलखंड की समस्त जनता की तरफ से आपको तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं इस कनेक्टिविटी के लिए। क्योंकि सामान्य तौर पर यह मैं कहना चाहता हूं कि 40 साल पहले जो रेल सेवा की कनेक्टिविटी के साथ देश का नागरिक जुड़ता था, आज वो नागर विमानन क्षेत्र की कनेक्टिविटी के आधार पर हर नागरिक जुड़ता है, और इसलिए मांग एक एक बड़े बड़े शहरों से नहीं लेकिन छोटे छोटे और मध्यम शहरों से भी उठ रही है कि कनेक्टिविटी आज समय की मांग। तो आपको तहे दिल से हम धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं कि आपने ये सेवा शुरू की, आपने मेरा कथन की मान्यता रखी, और आपके द्वारा मैं बीडी शर्मा जी के कथन की मान्यता रख पाया, और खजुराहो और बुंदेलखंड की कथन की मान्यता रख पाया। और जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।